अगर कोई पूछे आपका चलो मोल फ्रैक्शन निकाल के दो, तो मोल फ्रैक्शन का सीन क्या होता है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन तो कैसे निकालोगे? उसका तरीका यह है कि अगर आपके पास किसी कंटेनर के अंदर मान लो कि दो सब्सटेंस है, एक ए है और दूसरा बी है, मतलब ए मान लो सॉल्यूट है, बी मान लो सॉल्वेंट है, उससे आपने सॉल्यूशन बनाया, देन यू कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? उसमें आपको मोल्स ऑफ ए लेने हैं, उसको टोटल मोल से डिवाइड कर देना, इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। दैट्स वेरी इजी। यहां पर आपको मोल्स ऑफ बी लेने, उसको आप लोग टोटल मोल से डिवाइड करोगे, उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और जब भी आप इन दोनों को मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे, एक्स ए प्लस एक्स बी करोगे, तो बेसिकली उसका टोटल किसके बराबर होता है? 1 के। ये आपके पास मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप होता है।